देखा तुमने हमारी जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। बाय। शादी के बाद। चलो ठीक है। बाय। बाय। चल मेरे साथ, आज फाइनल करना है। फाइनल हो गया है, तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। क्या हुआ? मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे मत मारो प्लीज, मेरी माँ अकेली रह जाएगी। कितनी अच्छी शॉपिंग की है ना प्रेरणा ने। हाँ, लड़के वाले भी बहुत खुश हो जाएंगे, कहेंगे कि किस लड़की से शादी हो रही है उनकी। मोनिका तू चिंता मत कर, तेरी भी शादी जल्दी कर दूंगा। नहीं, मैं शादी वादी नहीं करूंगी। क्यों, तुझे क्यों नहीं करनी शादी? मैं अगर चली गई तो आप दोनों का ख्याल कौन रखेगा? आप दोनों की दवाई, राशन, कितना सारा काम होता है वो कौन करेगा? अरे बेटी, काम की वजह से तुझे घर में थोड़ी रख सकते, ऐसे कैसे बात कर रही तू? नहीं, कुछ भी हो, मैं आप दोनों को अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, बस। अब आपका कोई बेटा तो है नहीं जो आपको संभाले। अरे तुम दोनों हो ना, तो बेटों की क्या जरूरत है मुझे? सिर्फ 10 दिन रह गए शादी को, फिर मेरी लाड़ो पराए घर चली जाएगी। प्रेरणा, क्या हुआ बहन जी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? कल रात से आकाश घर नहीं आया। कल वो शादी के शॉपिंग के बाद यही रुक गया था क्या? नहीं बहन जी, शादी से पहले आकाश यहाँ कैसे रुक सकता है? आकाश तो मुझे शॉपिंग के बाद घर के बाहर ही छोड़कर चला गया था। रुको, मैं इसे फोन करके देखती हूँ। मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है इसका। प्रेरणा का नंबर नहीं था मेरे पास, वो तो आकाश ही बात करा देता था जब भी जरूरत पड़ती थी उसके मोबाइल से। हो सकता है आपने किसी दोस्त के यहाँ रुक गए हो। मैं तो उसके दोस्तों के घर भी जाके आई, दो ही तो दोस्त थे उसके, वहां पर भी नहीं है। पता नहीं मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। एक दिन उसके पापा भी इसी तरह गायब हो गए थे और उनकी लाश नदी में मिली थी 4 दिन के बाद। उनका भी आज तक पता नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ। और मेरा इकलौता बेटा, कहीं उसके चाचा सुरेंद्र ने तो उसको गायब नहीं किया होगा? नमस्कार, मैं किंशुक वैद्य, जुर्म का चेहरा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराने वाला हूँ जिसे देखकर आप तंग रह जाओगे। दोस्तों, दो नवयुवक जब अपने विवाह की दहलीज पर कदम रखते हैं तो उनकी आंखों में हजारों सुहाने सपने होते हैं, ऐसे सपने जो वो एक दूसरे के साथ पूरे करना चाहते हैं।
पर कई बार वो सपने अधूरे ही रह जाते हैं। ठीक वही हुआ आकाश और प्रेरणा के साथ, जो शादी के बंधन में बनने से पहले हमेशा के लिए जुदा हो, क्योंकि आकाश एक ऐसी दुनिया में खो गया जहां से वापस आना शायद ही मुमकिन है। एक तरफ मालती अपने बेटे को खोने के गम में डूब चुकी थी और एक तरफ अनजान व्यक्ति की मिली लाश। अब देखना यह है कि क्या मालती का बेटा उसके पति की तरह उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा, और अगर हाँ तो कौन है उसके लिए जिम्मेदार। आपके बेटे का जाने का हमें बहुत अफसोस है। मुझे पता है ये टाइम इन सब बातों का नहीं है। क्या आपको किसी पे शक है? इंस्पेक्टर साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं भला अपने सगे भतीजे को क्यों मारूंगा? ये तो तुम बताओगे ना कि आकाश के परिवार से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी। साहब, आकाश का बाप जितेंद्र मेरा बड़ा भाई था। हाँ, जमीन को लेकर छोटा सा झगड़ा था हमारा। छोटा सा झगड़ा? यूपी के इस इलाके में 2 इंच जमीन के लिए लोग एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं, और तुम मुझसे बता रहे हो कि छोटा सा झगड़ा था? साहब, झगड़ा उनकी तरफ से था, हमारी तरफ से नहीं। तुम उनकी जमीन हथियाने की कोशिश में लगे हुए हो, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है। इंस्पेक्टर साहब, आपको कैसे समझाऊं? ओ मालती का दिमाग खराब हो गया है। आपने पति और बेटे पे ध्यान नहीं था उसका, बस दूसरों पे इल्जाम लगा लो। मतलब? साहब, उस मालती से पूछिए ना, उसके बेटे पे कितना कर्ज था। बाप और बेटा दोनों जुआरी थे, जैसा बाप वैसा बेटा। लोगों से पैसा लेते थे और गायब हो जाते थे। वो जितेंद्र के ऊपर भी बहुत सारा कर्जा था साहब। उसने मेरे पास से भी कर्जा लिया था, और उसी कर्ज के एवज में उसकी जमीन मेरी तरफ आ रही थी। मालती का तो ये भी कहना है कि तुम और तुम्हारे बेटे राजू ने मिलकर ये सब कुछ किया है। साहब, मेरा बेटा राजू दिन भर खेतों में अपना शरीर जलाता है, इनके जैसा जुआरी नहीं है साहब। गलती करे वो और भरे हम। साहब, एक बार उस मालती से पूछिए ना उसके पति और बेटे की करतूतों के बारे में। ठीक है, अभी जाओ, लेकिन शहर छोड़ के मत जाना। जी साहब। राजू बेटे सुन, 5-7 दिन के लिए गायब हो जा, ज्यादा दिमाग मत लगा, जो बोल रहा हूं वो कर, समझे ना? अरे ओ मालती भाभी। सुरेंद्र भाई साहब। कहाँ है मालती भाभी? तुम मेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करेगी? नहीं, वो मैंने तो सिर्फ। क्या बिगाड़ लिया पुलिस ने मेरा? इसके आगे मेरे खिलाफ पुलिस में जाएगी ना तो जान से मार दूंगा। तेरा पति और बेटा तो मर ही गया है, तुझे भी मार के उन्हीं के पास पहुंचा दूंगा। जमीन मेरी है और मेरी ही रहेगी, समझे? बड़े आई पुलिस के पास जाने वाली, देख लेंगे क्या करेगी पुलिस। सुरेंद्र सही बोल रहा था। हाँ, ये आकाश भी ना बहुत पहुंची हुई चीज है। लेकिन उसने इतने सारे पैसे उधार लिए क्यों थे? वही जुए की लत होगी और क्या। मतलब बाप के जुए की आदत उसके लड़के में भी आ गई। कई बार हमारी जीन्स की अच्छी चीजों के साथ साथ कुछ बुरी चीजें भी हमारी आने वाली जनरेशन में चली जाती। सुरेंद्र और उसका भाई जितेंद्र की जमीन का बंटवारा तो उसके फादर ने पहले ही कर दिया था, तो ये सुरेंद्र उसकी जमीन क्यों हथियाना चाहता था? कहीं ये जमीन का झगड़ा ही तो आकाश की जान नहीं ले गया? आखिर ऐसा है तो फिर जितेंद्र की मौत की फाइल वापस खुलवानी पड़ेगी। अरे उसे तो मरे बहुत वक्त हो गया, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि उसकी मौत कैसे हुई थी। जो भी हो, पता तो करना पड़ेगा, और ये भी पता करना पड़ेगा कि जुए की लत की वजह से जो आकाश पे कर्जा था उसकी वजह से उसकी हत्या भी हो गई थी।
हो सकता है, आजकल तो 100-200 रुपए के लोग हत्या कर देते हैं, फिर यहां तो लाखों का मैटर था। हाँ रे बाबा, बार बार मुझे फोन कर रहे हो? मुझे बात करनी है तुझसे। क्या बात करनी थी? देख, आकाश का जो हुआ अच्छा हुआ, अब हम दोनों भाग सकते हैं और हमेशा के लिए एक साथ रह सकते हैं। चल मेरे साथ। नहीं, छोड़ मेरा हाथ। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने तुझसे ब्रेकअप किया है। देख, तुझे जो चाहिए मिला कर दूंगा, ये ले और मेरे साथ चल। मुझे कहीं नहीं जाना है और कुछ नहीं लेना है। लेना बस, तुझे मेरी कसम तू मुझे भी मरवा देगा। प्लीज। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। आकाश का मर्डर लोहे की रॉड सर में मारने से हुआ है, लेकिन एक बात बहुत शॉकिंग पता चली है। क्या? पोस्टमार्टम के अनुसार आकाश को पहले जहर दिया गया था। जहर? हाँ, लेकिन जहर की मात्रा बहुत कम थी, इतनी कम थी कि शायद वो उससे नहीं मरता। एक ही आदमी पर दो मर्डर अटेम्प्ट। हाँ, पहले उसे जहर दिया गया, फिर उसे रॉड से मारा गया। दो बार मारने की कोशिश, कहीं कातिल दो तो नहीं है? या एक ही कातिल ने दो बार कोशिश की हो, क्योंकि प्रेरणा ही लास्ट टाइम आकाश के साथ दिखी थी। जो यूजुअली विक्टिम के साथ लास्ट टाइम होता है वही कातिल होता है। लेकिन मर्डर के लिए सबसे जरूरी होता है मोटिव होना। प्रेरणा के पास क्या मोटिव हो सकती है? आजकल ये लड़के लड़कियां किस बात पे भड़क जाए पता नहीं चलता है। पहले तो ये सब चीजें सिर्फ तीन चीजों के लिए होती थी, पैसा, लड़की और जमीन, लेकिन आजकल तो किसी भी बात पे कुछ भी हो सकता है। तुम एक काम करो, आकाश के आसपास के सारे लोगों की कुंडली निकलवाओ और प्रेरणा से पूछताछ करो कि वो उस कत्ल के रात कहां थी। ठीक है। क्या कर रही हो? कुछ भी तो नहीं। आकाश के कत्ल के दिन आप दोनों लोग शॉपिंग करने गए थे, उस दौरान आप लोगों ने क्या क्या किया? सिर्फ शॉपिंग ही तो की थी। तुम दोनों ने कुछ खाया था? कुछ भी नहीं। कुछ पिया था? नहीं, हमने बस शादी की शॉपिंग की और घर के लिए निकल गए थे। पक्का तुम लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं था? हाँ, याद है, उस रात हम घर के लिए निकल रहे थे तो किसी ने आकाश को आवाज दिया। आकाश, मैं अभी आया। हाँ भाई, मेरे कई बार पूछने के बाद भी उसने कुछ बताया नहीं और वो मुझे घर छोड़कर चला गया था। तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। आप लोग इसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आप प्रेरणा पे आरोप लगा रहे हो? आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम कातिल को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रेरणा हमसे झूठ बोल रही थी। क्यों? क्योंकि हम उससे खाने पीने की बात कर रहे थे कि उसने क्या खाया क्या पिया।
लेकिन वो हमारा ध्यान कहीं और भटका रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ छिपा रही है वो। उसके बारे में पता करना पड़ेगा। सर पठान बैठो। आकाश ने तुमसे पैसे लिए थे ना? हाँ साहब बिल्कुल लिए थे, पूरे 7 लाख रुपए थे साहब। मतलब 7 लाख रुपए के लिए तुमने आकाश का मर्डर कर दिया? क्या बात कर रहे हो साहब, जब तक आदमी जिंदा है ना तब तक ही हमारा पैसा भी जिंदा है साहब, और हम हमारे ही देनदार को क्यों मारेंगे साहब। हाँ साहब कभी डरा धमका देते लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना साहब कि हम उसे मार देंगे। अगर आदमी मर गया तो हमारा पैसा भी तो मर जाएगा ना साहब। मतलब तुमने नहीं मारा आकाश को? अरे नहीं साहब, आकाश तो बहुत अच्छा लड़का था साहब, जब भी उसको पैसे की जरूरत पड़ती है मुझसे ले जाता था, देर सवेर देता था साहब। हाँ साहब पर बैच टाइम पे देता था। ठीक है पठान अभी जाओ, लेकिन जब भी जरूरत पड़े तो फौरन हाजिर हो जाना। ठीक है साहब। अभी सर ने बताया कि प्रेरणा का संजय नाम के एक लड़के के साथ अफेयर था। दोनों के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि दोनों अभी भी एक दूसरे से बात करते हैं। प्रेरणा के घर वाले कहीं उसकी जबरदस्ती शादी तो नहीं करा रहे थे? वो तो पता नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रेरणा और संजय ने मिलकर आकाश का मर्डर किया हो? लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि आकाश को जहर किसने दिया। एक काम करते हैं, संजय को उठाते हैं, सारे राज खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे। आखिरकार मालती का जो सबसे बड़ा डर था वो सच हो ही गया। आकाश उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया, पर पीछे छोड़ गया कुछ ऐसे सवाल जिसके जवाब तो नहीं मिले, पर एक के बाद एक हुए ऐसे चौंका देने वाले खुलासे जो आकाश के मौत की गुत्थी को सुलझाने के बजाय उलझाते जा रही थी। पुलिस के लिए भी ये समझना मुश्किल हो रहा था कि क्या सुरेंद्र ने आकाश को अपने लालच और खानदानी रंजिश का शिकार बना दिया था, या बन गया था वो संजय के प्यार का सबसे बड़ा काट जिसे उसने साफ कर दिया, या उदार के बोझ में बन गया वो पठान के किसी जानलेवा साजिश का शिकार। इन तीनों में से कौन था जिसने आकाश के खुशहाल जिंदगी में खोल दिया जहर? मुझे खुद पता नहीं संजय 2 दिन से कहाँ रहे हैं, मैं खुद परेशान हो रही हूँ। आपका बेटा 2 दिन से गायब है और आपने पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं की। जब से प्रेरणा के चक्कर में पड़ा है हमारे तो जिंदगी बर्बाद हो गई। ये कोई पहली बार है वो गायब हो गया है? उसका नंबर भी बंद आ रहा है, कोई दूसरा नंबर है उसका? लेकिन आप लोग संजय को क्यों ढूंढ रहे हैं? आपका बेटा आकाश का मर्डर करके फरार है, अगर उसकी सलामती चाहती हो तो उसको बोलो पुलिस स्टेशन में आके खुद को सरेंडर करे, कानून से कब तक भागेगा? संजय क्यों मारेगा आकाश को? संजय प्रेरणा से प्यार करता था ये तो आप भी जानती थी। ठीक है अगर जरूरत पड़ी तो फिर से आऊंगा। ये ले। बाकी के पैसे कब देगा पता है ना? हम जैसे का पैसा नहीं देने का अंजाम क्या होता है? दे दूंगा ना, कहाँ भागा जा रहा हूँ मैं? मैं वो कसाई हूँ जिसका घास बकरी भी नहीं खाती। तू मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा है ना? मैं मरने से डरता हूँ ना मारने से, और रही बात तेरे पैसों की, दे दूंगा। क्या चाहते हो मुझसे? देखो भाभी मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। कुछ चाहते हो तो बोल दो, वैसे भी बहुत कुछ छीन चुके हो तुम हमारा। ये बकवास बंद करो, समझी ना? तो मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम ये घर की लड़ाई पुलिस तक लेके जा रही हो, ये बात ठीक नहीं है भाभी। मैं तुम्हें बहुत बार समझा चुका हूँ। नहीं तो क्या करोगे, मार दोगे मुझे? मार दो, छोड़ो। वैसे भी मेरे पति को मार चुके हो, मेरे बेटे को मार दिया, किस चीज के लिए? एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए? वो जमीन मेरी है और मेरी ही रहेगी। मैं भी देखती हूँ तुम मुझे पुलिस में जाने से कैसे रोकते हो। तुम्हारे हाथ में मुझे मारना लिखा है ना, मार दो मुझे। वैसे भी मैं भी देखूंगी तुम्हें सजा कैसे मिलनी चाहिए, तुम्हारी करनी तुम्हारे सर जरूर आएगी। अरे ओ भाभी, तुम्हें कितनी बार समझाया मैंने पुलिस स्टेशन नहीं जाना,
मैं जाऊंगी। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की ना तो मैं शोर मचा दूंगी। कैसे शोर मचाएगी? चलो। ए, क्या हो रहा है? हाँ बताओ, अभी शोर क्यों मचा रहे थे तुम दोनों? इसी आदमी ने मेरे बेटे को मार डाला, इसी ने मेरे पति को मार डाला। ये झूठ बोल रहे हैं साहब। मुझे पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आने दे रहा था? ये झूठी औरत है साहब, झूठी। मैं भला इसे पुलिस स्टेशन आने के लिए क्यों रोकूंगा, बल्कि मैं खुद आपके पास आने वाला था। क्यों, हमारे पास क्यों? साहब, इस औरत से मेरी जमीन वापस दिलवा दीजिए। साहब, वो जमीन मेरे पति की है, जिसके लिए इसने मेरे पति को मार डाला। साहब, जितेंद्र ने जो पैसे उधार लिए थे उसके आवाज में उसकी जमीन मेरी तरफ आ गई थी। ये झूठ बोल रहा है साहब। झूठ? मैं झूठ बोल रहा हूं? तो फिर बता, तेरे सारे जेवर कहां गए? तुमसे क्या मतलब? हाँ, मुझसे क्या मतलब, सही है। और साहब एक बात सच है, जितेंद्र ने इसके सारे जेवर जुए में गवा दिए। क्या ये सच है? साहब, अपने हिस्से की जमीन मुझे बेचकर जो पैसा आया था ना साहब, वो भी वो जुए में हार गया। तो तुमने इसलिए आकाश को मार दिया, क्योंकि ये लोग तुम्हें जमीन नहीं लेने दे रहे थे। अरे नहीं साहब, मैंने उसको नहीं मारा साहब। मैं अपने एकलौते बेटे की कसम खाता हूं साहब, फिर जिंदगी में इस औरत की शक्ल तक नहीं दिखूंगा। देखो, ये पुलिस स्टेशन है, कोर्ट नहीं है कि तुम्हारे फैमिली डिस्प्यूट यहां सुलझाए जाएंगे। निकलो यहां से। जी साहब। क्या है ये? आकाश के शरीर में जो कीटनाशक जहर मिला है उसका पता चल गया है। ओके। ये कीटनाशक दवाई तो लोग फसल में डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यस। और ये मार्केट में आसानी से मिल भी जाता है। हाँ बिल्कुल, कहीं भी और कहीं से भी ले सकते हैं इसे। ये कीटनाशक तो 4-5 तरह के आते हैं और अलग अलग ब्रांड के भी हैं, पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये कीटनाशक दवाइयाँ एक जैसे ही कॉम्पोजिशन से बनते हैं। ये बात तो ठीक है कि इस कीटनाशक जहर का इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं। पता करो इस केस से जुड़े हुए कौन कौन से लोग कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तुझे जो करना है कर ले, तुझे तो आज किसी भी हालत में अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगी। मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, जो तूने मांगा मैंने ला कर दिया, फिर भी तू मेरे साथ ऐसा कर रही है? अरे अब तो आकाश भी नहीं है। संजय तू यहां से चला जा, इसका अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा। जा संजय। ये संजय यहाँ क्या कर रहा था? वो तो ऐसे ही आया था, क्यों नहीं आ सकता क्या? शर्म कर प्रेरणा, आकाश के चीता की राख अभी तक ठंडी नहीं हुई है और तू ये सब कर रही है। आकाश का दुख मुझे भी है, पर संजय मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं जिससे चाहूँ उससे मिलूँ। पर प्रेरणा, मोनिका, क्या कर रही हो तुम दोनों? चलो चलो सो जाओ। हाँ ठीक है। अरे सुरेंद्र जी, पुलिस? हाँ साहब,
हाँ सब। अरे घबरा क्यों रहे हो, हम तो ऐसे सैर पे निकले थे, सोचा आपसे राम राम करते चले। राम राम सब। अच्छा ये कौन सा कीटनाशक यूज करते हो अपनी फसलों के लिए? मगर साहब आप क्यों पूछ रहे हो? हमें अपनी जनरल नॉलेज बढ़ानी है। अच्छा वो मैं साहब साहब मैं नहीं ले मारा, मैं क्यों मारूंगा? जमीन हथियाने के लिए। आकाश के पेट में जो जहर मिला है वही कीटनाशक तुम इस्तेमाल करते हो। और साहब वो कीटनाशक तो बहुत सारे किसान इस्तेमाल करते हैं ना, मैं अकेला थोड़ी वो कीटनाशक इस्तेमाल करने वाला। लेकिन किसी के पास मोटिव नहीं था ना, तुम्हारे पास सबसे बड़ा मोटिव है। सच बता, तूने ही उसे जहर दिया ना, और जब आकाश नहीं मरा तो तूने उसे रॉड से मार दिया। और आकाश के बाप को भी तुम नहीं मारा था ना? नहीं साहब नहीं। साहब जितेंद्र मेरा छोटा भाई था, मैं उसको क्यों मारूंगा? हमारे पिताजी ने उनके मरने से पहले ही हमारे जमीन का बंटवारा कर गए थे। तो तूने आकाश को जहर क्यों दिया? नहीं साहब नहीं, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने नहीं मारा साहब, मैंने नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया। सर संजय का पता चल गया है, लेकिन एक समस्या है। सर सुरेंद्र क्या कह रहे हैं? सर ने तो लॉकअप में जब तक कबूल नहीं कर लेता। ये बिल्कुल वैसे ही मरा है जैसे आकाश मरा था। सर कीटनाशक दवाई शीशी थोड़ी खाली है, एक काम करो फॉरेंसिक टीम बुलाओ और लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। आखिर ये हो क्या रहा है? एक काम करो आसपास की अच्छे से जांच करो, शायद मर्डर वेपन मिल जाए। ओके सर। पुलिस के लिए भी नामुमकिन हो रहा था, वक्त के साथ सवालों के दलदल में फंसे जा रहे थे, पर मिल नहीं रहा था एक भी सवाल का जवाब। पर मिली उन्हें संजय की लाश, ठीक आकाश की तरह, और इस हादसे ने पूरे इन्वेस्टिगेशन को हिलाकर रख दिया। अब सवाल यह है कि क्या वक्त रहते पुलिस उस शातिर गुनहगार तक पहुंच पाएगी जो हमेशा उनसे दो कदम आगे चल रहा है। आइए देखते हैं कैसे सुलझाती है पुलिस एक नहीं बल्कि दो मौत के रहस्य। ये पठान बड़ा ऊंचा खिलाड़ी है। मतलब संजय की लास्ट कॉल इसी की थी, और आकाश वाले केस में आकाश के मोबाइल पे लास्ट कॉल पठान की ही थी। संजय की मौत के कितने देर पहले कॉल आई थी? करीब आधे घंटे पहले। पता नहीं क्या हो रहा है सब, पहले आकाश और अब संजय का खून। वो सब ठीक है, लेकिन दोनों लड़कों का नाम हमारे घर के साथ जोड़ा जा रहा है, वो सही नहीं है। हमारे घर से नहीं, ये प्रेरणा के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे घूर क्या रही है मुझे? ये जो भी कुछ हो रहा है ना, सिर्फ तेरे वजह से हो रहा है। मेरे वजह से क्या हो रहा है? मोनिका तू इसे क्यों दोष दे रही है? इसने क्या किया है? इससे पूछिए ये इसके पास कहां से आया। तुम मेरे पीठ पीछे कमरे की तलाशी ले रही थी तो बता दो ना किसका है ये। ये तो मुझे आकाश ने दिया था। ओ तो आकाश ने दिया था तो इसे छुपा क्यों रही थी? मेरी मर्जी, जो चाहे मैं करूं, तुझे क्या? अरे प्रेरणा, अरे बेटा नाश्ता तो करती जा। अरे मोनिका क्या किया तूने? ये देख बगैर नाश्ता किए चले गई ना वो। वो बोल रही थी ना उसे आकाश ने दिया था, तुझे क्या प्रॉब्लम है? पापा वो झूठ बोल रही है आपसे, और उसके हर झूठ पे आप पर्दा डाल रहे हो। तुझे कैसे पता वो झूठ बोल रही है? मैं आकाश के घर गई थी ये नेकलेस लेकर, और आंटी आप चिंता ना करो, हम सब लोग आपका ख्याल रखेंगे,
और अगर आपको किसी चीज की जरूरत भी हो तो हमें बेशक बता दीजिएगा। आंटी, मैं आपको आपकी अमानत लौटाने आई थी। मैं समझी नहीं। हमें लगा कि आपने आकाश ने यह प्रेरणा को दिया होगा। नहीं, ये हमने तो नहीं दिया। आपने नहीं दिया? आंटी, मैं आती हूँ, आप अपना ध्यान रखिए। वो नेकलेस बहुत पुराना है, आपने देखा था ना, वो पुश्तैनी हार लगता है। अब मुझे नहीं लगता है कि आकाश ने प्रेरणा को इतना कीमती हार दिया होगा। वैसे भी आकाश की इतना महंगा हार खरीदने की औकात नहीं थी। छोड़ो ना ये सब, प्रेरणा पहले से इतनी परेशान है। मैं तो अपने घर और प्रेरणा के भलाई के बारे में सोच रही थी। खैर, चल बता, तूने संजय को क्यों बुलाया और संजय से तेरी आखिरी बार कब बात हुई? साहब, उसने मुझसे बंदूक खरीदी थी साहब, उसी के पैसे बाकी थे साहब उसके तरफ। ये क्या नाटक है, बिका हुआ माल वापस नहीं लेते? मुझे इसकी जरूरत नहीं है अभी। ए, तेरा पैसा। साहब, उसने तो उसके पैसे भी मुझसे नहीं लिए साहब, तो फिर मैं उसका मर्डर क्यों करूंगा साहब? वो तो तू बताएगा कि तूने संजय और आकाश को क्यों मारा। साहब, चाहे जितना मार लो साहब, लेकिन मैंने उनका मर्डर नहीं किया है साहब। हाँ, मैं आकाश से मर्डर वाले दिन मिला जरूर था। आकाश, मैं अभी आया। हाँ भाई, वो जो खड़ी है वो तेरे होने वाली बीवी है ना? हाँ। उसके सामने तेरे हड्डियां तोड़ दूँ तो? पठान भाई, कैसे बात कर रहे हो? पठान भाई, अगर पैसे देना जानता है ना तो जान भी लेना जानता है, समझा? पठान भाई, दे दूंगा, मेरी शादी होने वाली है, शादी के बाद दे दूंगा। शादी के बाद अगर मेरे पैसे नहीं आए ना, वो जो तेरी खड़ी है ना खूबसूरत बीवी, उसे मैं उठवा लूंगा। चल निकाल। तेरी इतनी हिम्मत कि तू किसी की बीवी को उठाएगा? बंद करो इसे। साहब, 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 मैं बोल रहा हूँ साहब, मैंने किसी को मर्डर नहीं किया साहब, 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 मैं सच बोल रहा हूँ साहब, साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा साहब, मैंने नहीं मारा साहब, किसी को नहीं मारा साहब, मैंने नहीं मारा साहब। संजय की माँ, मैं प्रेरणा हूँ। संजय मुझसे बहुत प्यार करता था। मैंने सुरेंद्र और जितेंद्र दोनों की फाइल पूरी चेक की है। सुरेंद्र ने वाकई पैसे दिए थे जितेंद्र को, और जितेंद्र ने सुसाइड ही किया था। सुरेंद्र के पास तो आकाश को मारने का मोटिव था, लेकिन वो संजय को क्यों मारेगा? वही तो पता करना है। अब सारा राज इस बॉटल में। क्या मतलब? मतलब ये कि सुरेंद्र जो कीटनाशक अपनी फसलों के लिए खरीदता है, वो उसे बल्क में खरीदता है। फिर वो आकाश को मारने के लिए ये छोटी बोतल क्यों खरीदेगा? और ये बोतल संजय की जेब में क्या कर रही थी? चलो एक बार मान लेते हैं कि संजय ने आकाश को मारने की कोशिश की, या उसे जहर देने की कोशिश की प्रेरणा को पाने के लिए। फिर संजय को किसने मारा? पता करते हैं कि ये बोतल इन दिनों में किस किस ने खरीदी। छोटी सी बोतल है, बहुत ज्यादा दुकानें इसको नहीं बेचती होंगी।
कातिल सच में बहुत तेज था और शातिर भी, तभी तो उसने संजय के जेब में कीटनाशक दवाई छोड़कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। पर कहते हैं ना, कातिल कितना भी शातिर क्यों ना कोई सबूत पीछे छोड़ ही जाता है, और वही हुआ यहाँ पर भी। अखिलेश और बिश्नोई को अब एक उम्मीद की किरण दिखने लगी, पर सवाल ये था कि क्या वक्त रहते पुलिस इस भेड़िए को बेनकाब कर पाएगी, या इस बार भी वो ही बाजी मार जाएगा। ये हार मुझे संजय ने दिया था, उसकी माँ का वो चुरा कर लेके आया था। मैं उन्हें वापस करने गई थी, पर वो तो अपने बेटे की मौत का कसूरवार मुझे ठहरा रही थी। लेकिन तूने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मैंने चाहती थी कि पूरी दुनिया और उसकी माँ उसको चोर समझे। लेकिन संजय ने तुम्हें ये हार दिया क्यों था? आकाश से शादी फिक्स होने से पहले संजय मुझे बोल रहा था कि मैं आकाश से शादी ना करूं। आकाश नेकलेस लाने वाला था मेरे लिए, पर मैंने मना कर दिया। उसकी इसी पागलपंती की वजह से मैंने उसको छोड़ दिया और आकाश से शादी करने के लिए हाँ कर दी थी। उस रात फिर वो तुझे किडनैप करने के लिए क्यों आया था? किडनैप करने नहीं आया था वो मुझे, पागल था वो मेरे लिए। मैं भी सोच रही थी कि आकाश नहीं तो संजय के साथ शादी करके सेटल हो जाओ, पर उसे भी मुझसे किसी ने छीन लिया। मैं जिसे भी चाहती हूँ वो मुझसे दूर चला जाता है। संजय की मम्मी तो मुझे दोनों के कत्ल का जिम्मेदार ठहरा रही है। अब फिर आ गए? अब क्या चाहिए आपको? हमें चाहिए उस दुकान का एड्रेस जहां से तुमने जहर खरीदा है। मतलब ये कि जिस दुकान से तुमने जहर खरीदा है उस दुकान की सीसीटीवी फुटेज हमें मिल चुकी है। मोनिका, आप सिर्फ इतना बताओ कि ये सब तुमने क्यों किया? प्रेरणा की वजह से। प्रेरणा की वजह से? प्रेरणा मुझसे छोटी है, लेकिन बचपन से लेकर आज तक हर चीज में मम्मी पापा ने सिर्फ उसे इंपॉर्टेंस दी है। नंबर भी मुझसे कम आते थे तो शाबाशी उसे ही मिलती थी। जब देखो तब सिर्फ प्रेरणा प्रेरणा प्रेरणा, बस। उसे छोटी होकर भी शादी पहले उसी की करानी थी, बहुत जलन होने लगी थी। मैंने उसकी गलतियां भी बताई, पर हर वक्त नजरअंदाज कर देते थे। इनफैक्ट मेरी शादी होने का सुख भी मुझसे छीन लिया। क्यों? क्योंकि लड़के वालों को प्रेरणा पसंद आ गई थी। प्रेरणा आकाश को बहुत चाहती थी, पर मैंने ठान लिया था कि ये खुशी मैं उसे लेने नहीं दूंगी। इसलिए जिस दिन वो आकाश और प्रेरणा शॉपिंग के लिए जाने वाले थे उस दिन। हाय प्रेरणा, तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ, बस दो मिनट में। ये लीजिए कोल्ड ड्रिंक पीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी बस निकलना ही है। अरे ऐसे क्या कर रहे हो? आप हमारे घर पे आए हो तो आपका खाने पीने का तो ध्यान रखना होगा ना। ये लीजिए सुबह सुबह कोल्ड ड्रिंक। इरादा क्या है? इरादा तो बहुत बुरा है। लाओ। ये क्या पिला दिया? अब क्यों, क्या हुआ? अजीब टेस्ट है इसका। अब मैं दूसरा ला दूं? नहीं नहीं रहने दो, अभी बस निकलना है। I'm ready. चले चले चलो। मैंने सोचा मैं आकाश को जहर पिला दूंगी अगर उसने नहीं पिया। मैंने भी सोच लिया कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगी।
अरे तुम क्या हुआ? मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे मत मारो प्लीज, मेरी वहां अकेली रह जाएगी। आकाश चला गया तो संजय फिर से उसकी जिंदगी में आ गया। मैंने भी ठान ली कि मैं उसकी हर वो खुशी छीन लूंगी जिससे उसे खुशी मिलती है। प्रेरणा सोचने लगी थी आकाश नहीं तो संजय के साथ शादी करके वो अपना घर बसा देगी। फिर मैंने संजय को भी आकाश की तरह ही मार डाला। पुलिस को गुमराह करने के लिए मैंने उसके जेब में कीटनाशक की बोतल डाल दी थी और तुम्हारी यही गुमराह करने की तरकीब तुम्हारे गले की फांस बन गई। हम तो समझ रहे थे कि आकाश की मौत जहर से हुई है, लेकिन असली जहर तो तुम्हारे अंदर पल रहा था, जलन और इच्छा का जहर, जिसने दो लोगों की जान ले ली। इनको लॉकअप में डालिए। ईर्ष्या यानी जेलेसी, एक ऐसी आग जो हमें खुद को जला देती है। ईर्ष्या का जहर धीमे धीमे हमें खत्म कर देता है। पुलिस को लग रहा था इन मौत के पीछे कीटनाशक का जहर। जहर तो था लेकिन ईर्ष्या का जहर था। मोनिका को अपने ही बहन से ईर्ष्या थी, जिसकी आग ने तीन परिवारों को तबाह कर दिया। आकाश अपने परिवार का इकलौता चिराग था, संजय भी अपने परिवार का इकलौता बेटा था। मोनिका ने अपने मतलब के लिए खुद के परिवार को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। मेरी आपसे एक ही दरखास्त है, हर माता पिता अपने हर बच्चे को समान रूप से प्यार दे, क्योंकि बच्चे ऐसे पौधे हैं जिन्हें समान रूप से ना सींचा जाए तो सुखद और फलदायक पेड़ नहीं बनते। मैं किंशुक वैद्य अब आपसे विदा लेता हूँ और फिर मुलाकात होगी जुर्म का चेहरा के अगले एपिसोड। साहब सुबह हमारा बेटा जल्दी निकल गया था, शाम को 6 बजे आने वाला था, अब तक घर नहीं लौटा। हमारे अकाउंट से 40,000 रुपए गायब हो चुके हैं। मैं बैंक में पहुंचा तो उन्होंने कहा कि पुलिस कंप्लेंट लिखवाइएगा। इस महीने में दूसरी बार ऐसी कंप्लेंट आई है। बैंक जाके पता करूं कि ये सब क्या हो रहा है। सर चेहरे को पत्थर से बहुत बुरी तरीके से कुचला गया है। बॉडी पे कोई निशान जिससे पहचान हो सके? उसके दाहिने पैर के घुटने पर जला हुआ निशान है। इस नंबर में एक नंबर पता चला है पूजा दुबे के नाम से, दोनों में बहुत बात होती थी। तुम डिटेल निकलवाओ। उठाओ सबको। अमोल के बारे में क्या जानती हो तुम? हम अच्छे दोस्त। सच बताना, कुछ भी छुपाना मत। सर ये भी इसी रैकेट से है। बताओ। बताते हैं सर। अमोल के मर्डर की लीड नहीं मिल रही है। और क्या एंगल हो सकता है? रिया के घर वाले या प्रॉपर्टी के डील? सब क्रॉस चेक किया है पर कुछ मिला नहीं।